राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे देश भर में समारोह की तैयारियां तेज होती जा रही हैं। लेकिन आज बात तैयारियों की नहीं, बल्कि श्री राम के उस भक्त की जो हजारों किलोमीटर की पदयात्रा कर अयोध्या पहुंचने वाले हैं। मन में भगवान राम के प्रति अटूट श्रद्धा लिए और अपने कारसेवक पिता के सपने को पूरा करने की इच्छा के साथ 64 वर्षीय चल्ला श्रीनिवास शास्त्री सोने की परत वाली पादुकाएं भेंट करने के लिए हैदराबाद से हजारों किलोमीटर की पदयात्रा कर अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या पहुंचकर ये चरण पादुकाएं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपेंगे। अभी राम जी का अयोध्या में कोर्ट तीर्थ आने के बाद मैं कुछ तो मेरे वजह से कुछ तो करना बोल के एक ईट चांदनी का ईट 10 किलो का चांदनी का ईट बना के लेके कलेक्टर साहब को दे दिया। बाद में और चार मांगा, वो चार भी दे दिया, 5 ईट दे दिया उधर शिलान्यास में। बाद में ये कुछ तो राम जी को कुछ तो करना बोल के 10,000 लड्डू बन के उधर बांट रहा हूँ रोज, 3 साल हो गया। अभी भोजन भी दे रहा हूँ साउथ इंडिया से आने वाले को। ऐसे अभी चांदनी 8 किलो चांदनी से चरण पादुका बनाया, अभी गोल्ड कोटिंग भी हो गया। ये चरण पादुका लेकर पूरा भारत में हर मंदिर में हर संत लोगों से पूजन किया, रामेश्वरम से लेकर बद्रीनाथ तक। अभी राम जी का कैसा अरण्यवास गमन है, वो अयोध्या से रामेश्वरम तक कैसा गया, वही रास्ते पे अभी पैदल से जा रहा हूँ। अभी चित्रकूट तक गया, चित्रकूट से कल 15 तक अयोध्या पहुंच जाता हूँ। जाने के बाद 16 तारीख को योगी आदित्यनाथ को दे देता हूँ। अभी तक 7,200 किलोमीटर पूरा हो गया। पूरा राम जी ने किधर किधर घुमा, वही ढूंढ ढूंढ के जंगल पहाड़ी के ऊपर पूरा देख के आगे आ रहा हूँ। अभी पूरा अयोध्या तक जाने के लिए 7,600 किलोमीटर हो रहा है पूरा। तो कब तक आप पहुंचेंगे सर? 15 जनवरी तक पहुंच जाता हूँ। कल से हाँ, कल चित्रकूट से रुके के आया, ये गोल्ड कोटिंग के वास्ते आया इधर, गोल्ड कोटिंग हो गया, ये लेके फिर चित्रकूट से शुरू करता हूँ। सर अभी जो डिजाइन है उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक महामुनि ने राम जी चरण पादुका से वर्णन किया, उसमें सूर्य चंद्र पूरा ऐसा सिंबल पूरा रहता, धनुष और मत्स्य यंत्र कलश सिंह चक्र गदा पूरा है, वही हिसाब से बनाया है चरण पादुका। सर कैसा लग रहा है आपको आपका? बहुत बहुत संतुष्ट हो गया, मेरे को बहुत खुश हो रहा हूँ। डे बाय डे उनके उत्साह हो रहा है ऐसा राम जी का काम पे, भक्तों भी बहुत खुशी होके दर्शन कर रहा है। आपको बताते चलें कि चल्ला श्रीनिवास के पिता का सपना था कि वो अपनी आंखों से राम मंदिर का निर्माण होते देखें, जिसे पूरा करने के लिए श्रीनिवास 20 जुलाई से पदयात्रा पर निकले हैं।